के दिनी ब्लॉग इस वक्त मौजूद हूँ मैं अपने घर पे, मतलब कि शहर कराची में। तो सब सारी वीडियो आ रही है, सारी वीडियो आ रही है कि यार कराची में ये हो रहा है, औसम मौसम, वेदर औसम, ये औसम वो औसम। अबे यार माना, हमें भी पता है कि यार मौसम औसम हो रहा है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी बारिश है, कभी तेज़ बारिश है, कभी बूंदाबांदी है। अभी पीछे बूंदाबांदी हो रही है। बाकी सिंध हुकूमत से कि इन्होंने कुछ करना नहीं है, अंडे ये दर्जन के हिसाब से नहीं बेचते हैं, ये किलो के हिसाब से अंडे बेचते हैं और आलू को दर्जन के हिसाब से बेच देते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और इन्हें कुछ करना नहीं है सिंध हुकूमत ने, हर जगह गंदगी है, गलाजत है, ऐसे गटर उबलना है, गंदगी हर जगह मौजूद है। इनके से इन्हें कुछ करना नहीं है, बस बकबक करना है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज हो रहा है। और प्लस खान साहब को जब तक आप नहीं लेके आएंगे तो ये तो आपको बर्दाश्त करना ही होगा। शाबाश। बाकी यार मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मंडी ख़त्म हो गई थी, मेरा दिल टूट गया था यार कि यार 2022 का सीज़न ख़त्म हो गया। लेकिन फिर मैंने बोला कि यार अपकमिंग सीज़न आएगा यार, बकरीद ख़त्म हुई है, जानवर तो नहीं ख़त्म हुए ना, ईद उल अज़हा ख़त्म हुआ है, क्यों हम ऐसा ही कह रहा हूँ ना। बाकी व्लॉग इंशाल्लाह डालूंगा मैं, हफ्ते हर दिन तो नहीं डाल सकता, यानी कि महीने में या हफ्ते में वीकली इंशाल्लाह एक ना एक वीडियो मैं डालूंगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको शहरे कराची, कहाँ पे गटर उबल रहे हैं, कहाँ पे गड्ढे हैं और क्या तासुरात है कराची शहर का और सिंध हुकूमत ने इस पे क्या किया है और काम कहीं पे हो रहे हैं कहीं पे नहीं हो रहे, पूरी वीडियो दिखाता हूँ। मेरे पीछे भी आपको भी गंदगी दिखेगी, ये देख लें एक तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ, बाकी आपको मैं इस तरफ देख लें कैसी ग्रीनरी मौजूद है। ठीक है, अभी आपको बैक साइड पर दिखाता हूँ, उसके बैक साइड पर क्या मनाजिर है। ये सीन है भाई, ये सीन हुआ हुआ, ये देखें यहाँ पर देख लें आप, ये हाल है। और ये देखें, आपको लग रहा होगा ये दूसरी जगह की वीडियो दिखा रहा हूँ, तो ये देखें ये वही जगह है, वही पार्क है, इसी के पीछे मैं खड़ा हूँ। और ये सामने का है हिस्सा, सामने ऐसा हिस्सा है, ये देखें बिल्कुल गंदगी, गटर, कीचड़, ये बारिश का पानी नहीं है तो सारे गटर के पानी है, गटर उबल रहे हैं। और ये देखें इस तरफ देख लें, यहाँ पर मैं खड़ों की वीडियो बना रहा था। हाँ तो ये देखें हमारा कराची है, ये हम अपने स्टॉप से निकल रहे हैं, हर तरफ आपको यही दिखेंगे भाई, ब्यूटी है ये, ब्यूटी। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अपने शहर में, शहर कराची में, तो आपको मूड दिखाएंगे कि शहर कराची का कैसा मूड चल रहा है। अमात भाई को मैंने घर से उठाया है, देखिए अमात भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चल रहे होते आपके भी कॉन्टैक्ट में होंगे, नूप नूप प्लेयर होंगे, वो स्टेटस यही लगा रहे हैं, औसम मौसम, ये मौसम वो मौसम, यार लग रहा हमें तो पता ही नहीं कि कैसा मौसम है। और कराची ऐसा है, कराची वैसा है, यार ज़रा मैं चलता हूँ आपको दिखा दो कि बाकी में कराची कैसा है। बादल चेक कर लें आप, सीन देख लें हमारा, हर जगह आपको देखेंगे ऐसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट के सामने, देखिए यहाँ पे क्या हाल हुआ हुआ है, ये हाल हुआ हुआ है, ये कराची सिटी की ना ये बजी हुई है, रोशनियों का शहर ना, अभी कचड़ों का शहर बना हुआ है ये, ऐसे ही है ना अमात भाई। हाँ अमात भाई ने भी कहा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ये रोशनियों का शहर, कचड़ों का शहर बना हुआ है। ये मौसम है हमारे कराची शहर का, देखिए कुछ कुछ जगह पर ऐसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बाकी आपको एक सीन दिखाऊँगा, जादू दिखाऊँगा, यहाँ देख लें आप बिल्कुल कुछ नहीं है। और अभी आपको यहाँ पर देखें, इस तरफ देखें आप, ये देखें अब हम पहुंच गए ये पानी के ऊपर, ये देखें ये जगह जगह पे यही मसले है, हर जगह का यही मसला है यार, यही काम है, देखिए गड्ढे दो दो फीट के गड्ढे हैं। आप खड्डा चेक करें, खड्डा ये 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 खड्डा, ये देखिए ये हालत है, ये देखिए जगह जगह पे कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे पानी अभी भी मौजूद है, खड़ा है बारिश का, बाकी कुछ कुछ इलाके में बिल्कुल फ्रेश है, मतलब कि सारे पानी चले जा चुके हैं, मतलब कि पानी मौजूद नहीं है, और कुछ कुछ इलाके में मौजूद है। बाकी आज आम तातील है ना, वफाक ने ऐलान किया था कि आम तातील है, ये देखें सारे दुकान है, सारे मॉल्स वॉल शॉपिंग मॉल्स वॉल सब बंद हुए हैं। ये बता रहा हूँ कि यार ये फेक न्यूज़ थी जानू कि यार नागन चौरंग डूब गया है या 5 स्टार डूब गया है, घंटा कुछ नहीं डूबा है यार, ये बातें हैं। तो यार हमारे गाड़ी का सीट कवर दिखाया यार, तो छोड़ यार ये अभी नज़र नहीं आ रहा वीडियो में, वो आगे शपाटर जा रहा है, उसने गाड़ी में दुम नहीं लगाई हुई, 15 रुपये खर्च नहीं कर सकता वो, 15 या 20 रुपये जितने की भी आती है दुम नहीं उड़ा रहा है, वो लोगों को ना छींटे मार रहा है बारिश हो के, यानी कि हमें ना वो रेनफॉल का मज़ा दिला रहा है यार, ये लोग कराची में रेनफॉल हुई है आज ये। अब भाई तू गटर के पानी को फेंक रहा है दूसरों के गाड़ियों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, अरे 20 रुपये यार आप खर्चा कर लें और बाइक के पीछे पर आए मेहरबानी आप दुम लगवा लें, क्योंकि आप जो छींटे मारते हुए जा रहे हो यार, आप दूसरे को नापाक कर रहे हो, वो किस काम से जा रहा है आपको नहीं पता, आप वो छींटे मार के चले, और आप खुद तो नापाक हो, आप दूसरे को भी नापाक करो। मैं पहले यहाँ की हुकूमत जाग गई है, सिंध हुकूमत ने थोड़ा सा एक्शन लिया है, अब किसने लिया है ये नहीं पता। बाकी ये देखें नाले की सफाई हो रही है, नाले की सफाई की जा रही है,
ये रहा नाला, ये फाइनली सिंधु कुमार जाग गई है। अबे वो है यार। ये कुछ कुछ हमारे इलाके में भाई लोग जाग चुके हैं और इन्होंने नाले का काम शुरू करवा दिया है सफाई का। आवाम यहाँ की थोड़ी जाग गई है, नाले की सफाई किया जा रहा है। और ये एमकेएम के एमएनए आए हुए, क्या नाम है अहमद, अमीनुल हक साहब आए हुए यहाँ पे नाले की सफाई के बारे में वो करवाने के लिए आए हैं। ये देखें रश देख लें, पब्लिक देख लें। तो फाइनली हमारे भाई लोग थोड़ा सा जाग चुके हैं, यानी कि नाले के ऊपर इन्होंने एक्शन लिया है कि यार नाले को जल्द से जल्द साफ़ करो। तो ये अब जा रहे हैं, ये देखें ये एमकेएम के एमएनए आए हुए हैं यहाँ पे अमीनुल हक, और इन्होंने नाले के ऊपर एक्शन लिया है। आगे बैठा हुआ ना, ये देखिए एम के एम क्या है मैंने। ये हमारे अल्ताफ भाई ने कुछ एक्शन लिया है नाले के ऊपर, और एक गाड़ी में एम एन ए दोनों बैठे हुए, और ये देखिए जा रहे हैं बात। ये देखिए एम बी एन एम एन ए दोनों आए हुए हैं एम के एम के, और नाले के ऊपर इन्होंने बात की और नाले का काम शुरू करवाया कि अरे नाले को जल्द से जल्द सेट करो, नाले के ऊपर इन्होंने एक्शन लिया है। तो देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। देखिए आगे गाड़ी में भी जा रहे हैं और पीछे भी यहाँ पे चल रहे हैं। और ये थी आज की अपडेट कराची शहर के हवाले से कि बारिश में कराची शहर का क्या हाल हो जाता है, वो मैंने बताने की छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाजमी शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बता दें। बाकी इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।